पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। पंजाब इस वेले विच सब तो पहला कोविड का अपडेट, फिर पंजाब दे सियासी अपडेट नूं सांझा करांगे। मनप्रीत बादल ने किवें अपना कोविड का टैसट कराया, तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे। और विधायकां लई लाजमी है कोविड का टैसट करा के 28 अगस्त के विधानसभा सैशन च पुजना। सो 28 अगस्त तो पहला पंजाब दे 117 विधायकों की स्थिति साफ होएगी कि उन्होंने किन्ने पॉजिटिव ने किन्ने नैगेटिव ने। ये अपने आप दे विच एक वड्डा मुद्दा, एक तरह का सर्वेखण पंजाब लई ये बनेगा। उधर पंजाब दे विच 9,41,939 सैंपल जिहड़े ने वो अज तक किए गए ने, जिन्हां दे विचों अज तक 44,577 सैंपल पॉजिटिव आए ने। भाव पंजाब अज तक 44,577 लोग पॉजिटिव होए ने, जिन्हां चों 29,145 पूरी तरह नाल ठीक ने, आपो अपने घरां नूं भी जा चुके ने। 14,254 हाल की घड़ी भी हस्पतालां च दाखिल ने। 499 लोग ने जिन्हां नूं साह लैण च दिक्कतां ने अते उन्हां नूं ऑक्सीजन दित्ती गई है। और 55 लोग ने जिहड़े क्रिटिकल ने, वेंटीलेटर ते ने। 1,178 लोग हुण तक पंजाब दे विच दुनिया तो विदा हो चुके ने। और 25 अगस्त नूं शाम तक 788 लोग साढ़े होर ठीक हो गए ने, जिन्हां नूं घरां नूं भेजिया गया है। इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े लोग ठीक होए ने वो लुधियाणा 187, जलंधर 130, पटियाला 118, अमृतसर 6, मोहाली 86, संगरूर 73, गुरदासपुर 23, मोगा 11, होशियारपुर 24, और पठानकोट 13, बरनाला 23, फतेहगढ़ साहब 32, कपूरथला 15, तरन तारण 9, फजिलका 4, मुकसर 15, मानसा 19। ये नाम ठीक होने वाले दे दसने इस करके जरूरी ने ताकि हर जिले के जितों जितों लोग ठीक हो रहे हैं, मनोविज्ञानिक तौर के उत्ते हर किसी को मजबूती मिले, ताकत जोश मिले कि बिल्कुल साडे लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि 49 लोग ने जिहड़े वो कल शाम तक दुनिया तो विदा हो गए सी। अमृतसर 5, बठिंडा 1, फरीदकोट 4, फतेहगढ़ साहब 2, गुरदासपुर 1, जलंधर 4, लुधियाना 11, मानसा 1, मोगा 2, मोहाली 9। मोहाली 9 कल शाम तक पूरे होए। पठानकोट 1, पटियाला 5, संगरूर 3। और 25 अगस्त को 1,293 केस आए ने। सो एक दिन पिछले एक दिन के मुकाबले 1,293। सो पहला 1,500 तो ज़्यादा सी, हुण 1,200 तो 93 है। सो कुछ मामले जिहड़े ने जरूर घटते रुझान च नज़र आ रहे हैं दो तीन दिनों तो। लुधियाणा 175 पॉजिटिव एलाने गए कल शाम तक का आंकड़ा, जिहड़ा सरकारी आंकड़ा है। जलंधर 119 एलाने गए, पटियाला 140 पॉजिटिव, अमृतसर 75, मोहाली 154, संगरूर 32, बठिंडा 82, गुरदासपुर 149, फिरोजपुर 41, मोगा 39, होशियारपुर 61, पठानकोट 30, बरनाला 6, फतेहगढ़ साहब 5, कपूरथला 65, फरीदकोट 39, तरन तारण 15, रोपड़ 11, फजिलका 15, शहीद भगत सिंह नगर 5, मुकसर 12, मानसा 23। सो 5 पॉजिटिव केस 1,293 चों पंजाब तो बाहर इन्हां दी जिहड़ी इन्फेक्शन है वह दसी जा रही है। और हुण पंजाब दे सारे वड्डे ज़िलों की गल कर लिए, किथे किथे किन्ने केस ने, एक्टिव किन्ने ने। लुधियाणा 2,349 इस वक्त एक्टिव केस ने, जलंधर 1,828 एक्टिव केस ने, पटियाला 1,376 एक्टिव ने, अमृतसर 634 एक्टिव ने, मोहाली 1,576 एक्टिव ने, संगरूर 478 एक्टिव केस ने, बठिंडा 765 एक्टिव केस ने, गुरदासपुर 418 एक्टिव केस ने, फिरोजपुर 942 एक्टिव केस ने, मोगा 560 एक्टिव केस ने, होशियारपुर 226 एक्टिव केस ने, पठानकोट 254 एक्टिव केस ने, बरनाला 464 एक्टिव केस ने, फतेहगढ़ साहब 271 एक्टिव केस ने, कपूरथला 364 एक्टिव केस ने, फरीदकोट 391 एक्टिव केस ने, तरन तारण 187 एक्टिव ने, रोपड़ 287 एक्टिव ने, फाजिलका 282 एक्टिव ने, शहीद भगत सिंह नगर 152 एक्टिव ने, मुकसर 288 एक्टिव ने, 700 सब तो घट मानसा 162 केस एक्टिव ने। सो कुल 14,254 केस ने जिहड़े पंजाब वो इस वक्त एक्टिव ने। और 1,178 लोग ने जिहड़े पंजाब दुनिया तो विदा होए ने। सब तो ज़्यादा लुधियाणा 335 ते पहुँच गया आंकड़ा। इस तो बाद जे गल जलंधर शहर की करिए, इस तो बाद जलंधर शहर के हुण तक कुल 142 लोग दुनिया तो जा चुके ने, 130 का आंकड़ा पटियाले दा। अमृतसर दे विच 130 लोग अमृतसर दे विच और पटियाले च जा चुके ने दुनिया तो, और 64 लोग अज तक मोहाली च दुनिया तो विदा होए ने। सो ये कोविड का बिल्कुल अपडेट सी। तो कोविड के अपडेट तो बाद हुण गल करदे आं सियासी सरगर्मियां दा। पंजाब दे विधानसभा दे स्पीकर ने स्पष्ट कर दिता सी कि 28 अगस्त दे एक रोज़ा सैशन दे विच उही विधायक अते स्टाफ शामिल हो सकणगे जिहड़े अपना कोविड दे टैसट दी नैगेटिव रिपोर्ट देणगे। भाव कि पंजाब दे हर विधायक अते अफसरां नूं अते अमले नूं
अपना कोविड का टैसट करना पैना है, ता ही वह विधानसभा के परिसर में पहुँच सकनगे। सो 117 विधायक ने, सारे विधायकों को अपना टैसट करवाना पैना है। इस वक्त तुहानू तस्वीर दिखाने मनप्रीत सिंह बादल दियां, पंजाब दे खजाना मंत्री ने, सीनियर लीडर ने कांग्रेस के, और उन्होंने भी अपना कोविड का टैसट करवाया। तस्वीर तुसी देख सकते हो कि मनप्रीत बादल भी अपना कोविड का टैसट करा रहे हैं, उन्होंने नाल कई होर लोग भी ने जिहड़े कोविड का टैसट करवा रहे हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के पी सिंह ने स्पष्ट किया कि हर MLA अपना टैसट करा के आवे, अफसर और अमला अपना टैसट जरूर करावे। सो हुण एक गल देखण वाली है कि पंजाब दे विच 117 विधायकों के जदों कोविड के टैसट होणगे तां इन्हां दे विच्चों किन्ने विधायकों के कोविड के टैसट नैगेटिव आउंदे ने। हालांकि पहला ही कई मंत्री, कई विधायक किसी समय नैगेटिव होए, पॉजिटिव होए, सो पर हुण ताज़ा जदों टैसट होना है तो स्थितियां यह साफ होणगियां। पंजाब मैं यह मानदा कि एक तरह का पंजाब दे विच यह सर्वेखण है, ये अचानक 117 विधायकों जदों टैसट करवाना है तो इन 117 विधायकों चो जे विधायक पॉजिटिव निकलते हैं तो यह मतलब पता लगेगा कि पंजाब दे विच पोलिटिकल लीडर जिहड़े लगातार लोगों च विचर रहे ने वो किहड़ियां स्थितियां च ने। अपने आप दे विच नैगेटिव रिपोर्टां अगर सारयां दी आउंदियां ने तो यह चंगी गल होएगी, अगर कुछ विधायकों दी रिपोर्टां पॉजिटिव आउंदियां ने तो यह मन्निया जा सकता है कि पोलिटिकल लोगों के खेत्र के भी कोविड अपने पैर पसार रहा, तो उन्होंने होर सुचेत होने की लोड़ है। राणा के पी सिंह पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने उन्होंने गल सुनते हैं, दो तीन दिन पहला उन्होंने ये बयान दिता सी। जिहड़ा भी शख्स विधानसभा परिसर में आएगा असी चाहांगे कि वो सारे अपना टैसट करा लैन। विधानसभा का स्टाफ 1/3 होगा, मास्क लाजमी होगा, विधानसभा की कैंटीन बंद रहेगी, विजिटर किसी को इजाजत नहीं देवांगे। सो इस किस्म तमाम किस्म दियां बंदिशां भारत सरकार के महकमा हैल्थ ने लाइया है, उन्होंने सारिया पर अमल कर। उधर पंजाब विधानसभा के सैशन तो पहला सियासत पूरी तरह नाल गर्म है। अमन अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने खेती आर्डिनेंस और इस तो अलावा शराब मामलों के पंजाब विधानसभा के मता पेश करन दी मंजूरी दिती जावे, वो इस मसले दे उत्ते गल करना चाहते ने अते सदन दे विच बहस अते कोई प्रस्ताव जरूर इस मसले ते चाहते ने। देखो मैं कल पंजाब विधानसभा दे स्पीकर राणा KP जी नू एक नोटिस अंडर रूल 66 ध्यान दवाऊ मता है वो उन्हां कोले भेजे, पेश कीता है और कहा मांग कीती है कि आने वाली 28 तारीख नू एक दिन सैशन दे विच मैनू यह ध्यान दवाऊ मता पेश करन दी इजाजत दिती जावे, जिस दे विच मैं सरकार तो और स्पीकर साहब तो मांग कीती है कि पिछले लंबे समय तो देख रहे हैं कि सरकार दियां नलायकियां करके, सरकार दियां अपनियां कमजोरियां और गलती दी वजह करके बहुत सारे लोग ने जिहड़े ओह गलत कम्मां दे विच पै जांदे ने, जिहदी वजह करके लोकां दा और सरकार दा, सरकार दे मालिए दा नुकसान हुंदा, जिसकी एक ताजा तरीन एग्जाम्पल है जिहड़ी वो जिस तरीके दे नाल तरन तारण दे विच बटाला दे विच शराब माफिया जिहड़ा सरकार दी नाखेड़ चल रहा उहदी वजह करके, नकली शराब दी वजह करके तकरीबन 125 लोकां दी मौत हो गई है। एक पासे तां जिथे अजिहे कार्यां दे नाल पंजाब दे खजाने नूं, पंजाब दे लोकां नूं चूना लगता है टैक्स चोरी दे रूप दे विच, उत्थे ही जदों इस तरह की एक दुर्घटना हो जाती है तो उस समय सरकार उन्हां पीड़ित परिवारां नूं जिन्हां दे जी चले गए हुंदे ने उन्हां नूं मुआवजा दिंदी है। मैं समझदा कि सरकार दा अजिहे परिवारां नूं एकदम और वाजिब योग मुआवजा देना ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੂੰ
पेश करने की इजाजत देंगे और सारियां सियासी धिरां सारियां सियासी पार्टियां इस मते की सपोर्ट करनगियां ताकि पंजाब दे जिहड़े ईमानदार टैक्स पेयर ने उन्हां दी बांह फड़ी जा सके ते उन्हां दे उपर बोझ जिहड़ा पै रिहा उह बचाया जा सके। उधर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे कई विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कार्यशैली तो नाराज़ ने। जगराओं तो आम आदमी पार्टी दी विधायक बीबी सरबजीत कौर मानुके होना ने विधानसभा सैशन अते कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे की किया, आओ सुन दें। कैप्टन साहब सोशल मीडिया से बड़े अपडेट रहेंगे, माड़ा जहाँ कोई सोशल मीडिया से उन्होंने बड़े नैगेटिव लेकर चट पक जाए। कैप्टन साहब जूम कैमरे रख लैन, सैलसी डीज लवा दे, बिठा लैन सानू अलग अलग कमरे च रखन, महीने का सैशन असं तो किसी को टच भी नहीं करा। यह सोशल मीडिया का जमाना, नैट इंटरनैटिंग का जमाना, लाइव चला दे उ सैशन, लोगों बैठन कह भी दो घंटे का डेली सैशन होया करेगा जिसे हर विधायक आपके अपने घरों शिकायत पर तुम हूँ अजकल टॉप का जमाना तुम लोग अपने मीडिया राही शिकायत राही कितों बैठे एम एल ए लाइव ला लें ये भी तो ले सकते हैं। कुछ मुद्दे आ जिहड़े आपां जे भजना जिम्मेवारियां तो जिहड़े मर्जी भाने लगो आइडिया दे फिर मैं तो दे ही दिता, मैं तो दे रही हूँ तुहाडे चैनल दे राही भी दिंदी आ ते अंदर भी दिंदी आ भी तुसीं सैशन ही ऐसा खत्म कर दो तो ला लो लाइव कैमरा जिथे कहो भी अपने अपने घरे बैठ के सानू दसो अपने विचार दो असीं काम करन तैयार हां असीं करांगे। उधर अमृतसर दे विच भी आम आदमी पार्टी वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा वालों कई अहम मसलों के उत्ते अपने विचार रखे गए। मेरी समझ है भी कुछ लोग लगे हुए ने जिहड़े गुरबाणी की जिहड़ी सर्वोच्चता सर्वप्रमाणिकता इन शंका दे विच पैदा पाउणा चाहुंदे ने। सिखां दी शरधा सारी जिहड़ी मनुखता की शरधा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच उह कटाउणा चाहुंदे ने, इह गुरबाणी नूं भन्नणा चाहुंदे ने। इस करके जिहड़े अपने सरूप उह चोरी होए और गुम होए, हो नहीं सकते सी क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्राइमरी काम है यह गुरु साहब की सांभ संभाल करना, वह रिकॉर्ड रखना। तो हूँ तो बाहरले देशों के भी प्रिंटिंग होने लग पी है, एस जी पी सी उन्होंने भी कंट्रोल करे क्योंकि ये जे गुरबाणी भन्नता तो वैसे तो भन नहीं सकते, सच्चे पातशाह मेहर करूँगा इस सिख पंथ से नहीं भन सकते। गुरु साहब ने एड्डी वधिया तरीके दे नाल मुंदावणी उहदे ते लाई हुई है, मोहर लाई हुई भी अपनी, सो भन नहीं सकते। लेकिन ये कोशिशां ने, ये खदशा सानू यह है भी किसी ना किसी वैसटड इंट्रस्ट वाली जिन्हों का बादलों ना साढ़ गा जा राही गुरबाणी भन्न दी साजिशां। उधर पंजाब मंत्री मंडल वालों एक अहम फैसला लिया गया, सूबे दे विच कोविड खिलाफ़ जंग नूं होर मजबूत करन लई स्पैशलिस्टां दियां मैडिकल अफसरां दियां 428 असामियां नूं फौरी पद्धर दे उत्ते भरन दा फैसला किया गया। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने कहा कि इस फैसले दे नाल कोविड दे खिलाफ सरकारी स्पैशलिस्टां दे अमले दे विच वादा होएगा ते जल्द तो जल्द ये असामियां पूरी प्रक्रिया निजमां दे तहत भरियां जाणगियां। पंजाब इस वेले विच फिलहाल इन्ना ही, नवें ते ताज़े अपडेट नाल फिर मुलाकात होएगी। सुरेंद्र डल्ला ने जो इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।